How are you? Great. Nice great. To see you, gentlemen. Same here. Welcome to Nusret Maşka Palace. Yes. बुकिंग करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि आपने इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो करना है, मुझे नहीं मतलब नुसरत भैया को, और चेक करना है कि कौन सी ब्रांच से जो है ना स्टोरीज अपलोड कर रहा है। यूजुअली यही करता है कि जहाँ से भी ये सुबह स्टोरीज वगैरह अपलोड कर रहा होता है तो वहीं पर पूरा दिन जो है ये उसी ब्रांच के अंदर स्पेंड करता है। और हमारी किस्मत अच्छी है कि भाई इस्तांबुल में थे और मशका पैलेस की एक इनकी ब्रांच है जो कि नई लॉन्च हुई थी, नई ओपन हुई थी, और वहाँ पे ये डेली बेसिस पे जाके प्रमोशन कर रहा था और ये चीज़ आपका भाई ताड़ के बैठा हुआ था। तो मैंने दानी भाई को बोला, दानी भाई फ़ोन मिलाएं और सीन ऑन करें ज़रा। तो दानी भाई ने कॉल मिलाई और पूछा कि नुसरत भैया हैं? उन्होंने बोला जी हैं। हमने बोला हम आ जाए, उन्होंने बोला जी आ जाए, और हम चले गए। तो जनाब मैं नुसरत पे इस वक्त मौजूद हूँ और नुसरत भाई भी यहाँ मौजूद हैं जिनके लिए मैं आया हूँ। यार मैं पता नहीं उस बंदे की पर्सनैलिटी का फ़ैन हूँ, क्या सीन है मुझे नहीं पता, मगर क्या खूबसूरत एम्बियांस है, क्या खूबसूरत एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल है, ये फूड ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फूड, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नुसरत में, नुसरत भैया भी यहाँ पर मौजूद है, और हमने क्या ऑर्डर किया है सर? बीफ रिब्स और एक गोल्ड स्टेक। यस, नुसरत भैया उसको काटेंगे और अपने हाथों से खिलाएंगे। वाओ, गुड टू सी यू ओवर हियर। सेम हियर। एज़ लॉन्ग एज़ यू आर गोना बी हैप्पी, वी आर गोना बी मोर देन हैप्पी। यस, मैं इस बंदे का फैन हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में, क्योंकि इस बंदे ने अपनी ब्रांडिंग जो की है ना, क्या क्लासिक यार। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, फुटबॉलर्स, मतलब दुनिया का कौन बड़ा आदमी नहीं है जो उसके पास आके इसकी टेबल पे खाना ना खाता। और आज हम भी हैं सर, आज हम भी उन्हीं में हैं, छोटे से लेकिन एक्सपीरियंस है, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस, सीधी सी बात है। और जहाँ तक मानी ना ब्रांडिंग वाली बात की, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया में इसके रेस्टोरेंट्स की चेन्स खुल रही हैं। ये वाहिद बंदा नहीं है जो दुनिया में बीफ स्टेक्स बनाता हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीफ स्टेक्स बनाते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल बीफ स्टेक्स बनाते हैं, लेकिन नुसरत भैया की बात ही अलग है सर। मुझे खाने में लिटरली ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट है वो ये बात की पर्सनैलिटी में। यार एक वाइट बनियान, एक बनियान का बनियान ही है वो, एक ब्लैक पैंट और नॉर्मल से जूते, क्या बंदे ने कैरी किया, मतलब ब्रांडिंग का पर्सोना ही चेंज कर दिया ना सर, क्या कहते हैं। यहाँ पर हम दोनों का इख्तलाफ है, मानी भाई यहाँ पर हैं सिर्फ नुसरत के लिए, मैं हूँ यहाँ पर पहले खाने के लिए, उसके बाद नुसरत वाला एक्सपीरियंस करें, क्योंकि इसके बीफ का बहुत सुर है, इसलिए हम ये फूड ब्लॉग भी शूट कर रहे हैं। बताएं कि कैसा बीफ है, कितना जूसी है, बीफ रिब्स कैसी है, बीफ स्टेक कैसी है, गोल्ड स्टेक खाने के बाद कितना बंदा गोल्ड फील करता है। हाँ, वो गोल्ड स्टेक खाने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में वर्थ इट है कि नहीं है। आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, यार मैं भी ऑनेस्ट होगा क्योंकि जाहिर सी बात है स्पॉन्सर्ड नहीं है, विल बी सुपर ऑनेस्ट। आई डोंट नो इफ इट्स गोना डिसअपॉइंट व्हेन इट कम्स टू फूड और नॉट। माय गुडनेस, बॉय इज हियर, बॉय, Okay. Very nice. That's what she said. Absolutely. Yeah. That's the iconic style of it, mate. That's good. Beautiful piece of meat. Yeah. Wow. The shake. Wow. Thank you. Cappuccino. I told you it's about the experience. जिस तरीके से उसने काटा है और ये जो beef ribs मैंने खाई हैं heavy, लेकिन अभी तक मैं उसको process नहीं कर पाया, मैं दोबारा खाऊंगा फिर मैं थोड़ा detail बताऊंगा कैसा लगा।
रमजान में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल? यार इसका टेस्ट जो है ना वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको मजीद प्रोसेस करके डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी अभी थोड़ा जो हुआ है ना हमारे साथ, तो थोड़ा उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम दरकार है। हमने इतनी मरतबा ये तरीका देखा है, यानी इतनी मरतबा हमने ये सॉल्ट बे का स्टाइल देखा है, तो उस वजह से हम जो है ना थोड़ा सा स्टार स्ट्रक हो गए थे सिंपल वर्ड्स में, तो वो उसको जो है ना हम पकड़ नहीं पाए कि यार ये क्या चल रहा है। अब खाना खाएंगे फिर आपको बताएंगे ये क्या सीन है। सर खाने का टेस्ट भी मैंने किया है, सब कुछ है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो ये सीन था ना सर, ये देखें सर, ये पड़ी हुई ये मट्टी लेके जानी है यहाँ से सर। और वो जो मोहब्बत से उन्होंने खिलाया अपने सर, वो सारे पैसे उसके, मैं समझता हूँ सारे पैसे उसके, जो बंदे ने अपने हाथ से खिलाया। इट्स जूसी एज हेल, इट्स जूसी, इट्स टेस्टी। बारबेक्यू सॉस के साथ खाना ज़्यादा रिकमेंडेबल है। मैंने बीफ रिब्स खाई हैं और मैंने लाइफ में इतनी जूसी, इतनी बेहतरीन, इतनी टेस्टी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द जूस एज वेल, टेस्ट बहुत बाप। बीफ रिब्स का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, इनकी अपनी होम मेड बारबेक्यू सॉस है। सर बीफ रिब्स मैं कोई इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ना मैं कोई बीफ स्टेक का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, सर्टेन मेन्यू जो मैं खा लेता हूँ, लेकिन यार ये जो मीट है ना, ये इतना कोई नेक्स्ट लेवल है कि मैं लिटरली अब ये कह सकता हूँ कि फूड भी जो है ना यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है, बहुत आ रहा मज़ा आ गया। मतलब जो पैसे जेब से जाएंगे गम नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस, ओ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। आई जस्ट हैड दिस गोल्ड बीफ स्टेक टेंडरलाइन मीडियम रेयर, लुक एट दिस, ये आपको यहाँ पर फैट दिख रहा होगा थोड़ा सा, यही वजह कि इतना जूस निकल के आ रहा था इसमें से। अगर कोई कहता है कि यार नुसरत का फूड अच्छा नहीं है, उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरी नज़र में वो गलत कहता है, क्योंकि हम बीफ रिब ये सामने पड़ी हुई है, ठीक है, बीफ स्टेक स्टेक मेरे सामने है, ठीक है, एंड इट्स गुड। किस्सा तमाम हुआ, खाना हमने खा लिया, बेहतरीन खाना था, लेकिन जो तजुर्बा था ना, जो एक्सपीरियंस था सर, मज़ा आ गया। जो यार हमारा जो बिल बना है तीनों का, इट वॉज़ लाइक 1500 लीरा पाकिस्तानी, 30,000 रुपये, लेकिन वर्थ इट, बेहतरीन एक्सपीरियंस। मानी भाई आप बताएं कैसा लगा आपको? मेरा एक्सपीरियंस तो उस बंदे के सामने समझ लें पूरा हो चुका था, क्योंकि मैं लिटरली मैंने बताया मुझे सिर्फ उससे मिलना था। साले ने यार इतनी सी हाइट का है वो बॉय, क्या सेक्सी पर्सनैलिटी है, क्या पागल कर रहा था वो हमको, सिर्फ ये किया उसने ये, अरे दादा। इसी बात पे आप लोग खुश रहें, खाते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।